ने सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि, बोले उनके त्याग और बलिदान को याद रखेगा भारत। गुरु तेग बहादुर का जीवन करुणा और साहस का प्रतीक। बंगाल दौरे में कोलकाता के रामकृष्ण मिशन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा, भारत माता के महान सपूत थे स्वामी विवेकानंद, सदियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे उनके विचार। हाथरस केस में सामने आया योगी सरकार का झूठ, सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र, लगाया सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, सत्य की तरफ पहला कदम। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक, गुलाम नबी आजाद भी हुए शामिल। पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने के लिए सोनिया गांधी की विशेष मुहिम। कमलनाथ ने सोनिया को दी थी नाराज नेताओं से चर्चा करने की सलाह। बंगाल दौरे पर मिदनापुर पहुंचे अमित शाह, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर पहुंचकर माथे लगाए उनके जन्म स्थल की मिट्टी। बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराएंगे अमित शाह। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, विधायक बनारसी मैती ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। कई अन्य विधायक छोड़ सकते हैं ममता का साथ। शिवसेना से 5 बार सांसद रहे मोहन रवाले का निधन, 1998 में अटल बिहारी सरकार गिराने में रही थी उनकी भूमिका। संजय राउत ने दी श्रद्धांजलि, बोले शिवसेना ने खो दिया एक कट्टर सैनिक। मेट्रो कार शेड को लेकर बड़ा विवाद, कांजूर मार्ग की जमीन नहीं मिलने से नाराज शिवसेना, बुलेट ट्रेन परियोजना में अंगा लगाने का कर रही विचार। पीकेसी में मेट्रो कार शेड बनाने की तैयारी, यहीं पर बनना है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। शिवसेना नेता संजय राउत का कार्यकर्ताओं से आह्वान, भगवा पर नजर डालने वालों की छाती पर चढ़कर पहनाए भगवा। पूरे 5 साल चलेगी उद्धव ठाकरे की सरकार, मुंबई मनपा पर काबिज रहेगी शिवसेना। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने की नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात, कोरोना उपचार, नागरिक सुविधा और प्रकल्प ग्रस्तों से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत नुसते 1 महिन्याकरता ते अधिकारी येणार आहेत म्हणून आपण स्वच्छता ठेवण्याची गरज नाही। राऊंड द क्लॉक 12 महिने आपण त्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवली गेली पाहिजे आणि त्याकरता महासभेने घेतलेले निर्णय, ज्यांचे टेंडर निघाले, ज्यांचे कॉन्ट्रॅक्टरला वर्क ऑर्डर दिली गेली, याचा सगळे एकूण प्रायोरिटीच्या प्रमाणे ती कामं व्हायला पाहिजेत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।